यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर न्यू गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम दोबारा से खेलने जा रहे लास्ट डे रोल सर्वाइवल। सो गाइस आप लोगों को याद होगा मैंने एक दो दिन पहले जाइंट हॉर्न बनाने की कोशिश किया था बट मेरे से नहीं बना था। फिर मैंने आप लोगों से पूछा था कि भाई इसको असल में कैसे बनाना पड़ता है। उसके बाद आप लोगों में से काफी सारे भाई लोग अलग अलग प्रोसेस बताया, तो उसमें से आज हम लोग एक प्रोसेस ट्राई करने जा रहे और देखते हैं असल में बनता है कि नहीं। वैसे तो यार अपना एक टीममेट ने भी सेम इसी टाइप से बनाया और उसका बन गया था, बट मेरा पता नहीं क्या होने वाला है। चलो ट्राई मार के देखते हैं, क्या पता भाई अपना भी बन जाए। मेरे पास तो देखो ऑलरेडी पेगासस है बट मैं फिर भी जायंट हॉर्न इसीलिए बनाना चाह रहा हूँ क्योंकि भाई मैं सीखना चाहता हूँ और पता नहीं क्या सीन है भाई मेरे से तो बन ही नहीं रहा। चलो फिर आज ट्राई करके देखते। तो देखो सबसे पहले तो भाई मेरे को इसका नाम चेंज करना पड़ेगा, तो इसका नाम मैं कर दूंगा E1। तो ये जो प्रोसेस है ये कुछ इस टाइप का है कि हमको दो इल्क चाहिए होगा और एक हॉर्स से काम बन जाएगा, बट फिर भी मैंने दो हॉर्स टेम कर लिया है और दो इल्क भी टेम कर लिया है। अभी भाई आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना और मेरे को बताना कि मैंने आखिर गलती किया तो किया कहाँ पे। वैसे तो देखो यार इस टाइप से भी बन जाता है क्योंकि मेरा फ्रेंड ने भी बना लिया था, बट मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरा क्यों नहीं बनता। तो खैर चलो मैं घोड़े का नाम दे देता हूँ H1 कर दिया मैंने इसको, और एक और घोड़ा है मेरे पास इसको मैं कर दूंगा H2। और मैंने ये सुना है कि अगर आपके पास बिना माउंट वाला हॉर्स है उससे भी कम बन जाता है, तो मेरे पास दो हॉर्स है, एक है माउंट वाला और दूसरा बिना माउंट वाला, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी मैं आ जाऊँ तो यहाँ पर मेरे को अभी डालना पड़ेगा E1 को। तो E1 जो इल्क हमने नामकरण किया था इसको मैं डाल देता हूँ इधर, और इधर मैं डाल दूंगा H1 को जो हॉर्स है अपना। ये वाला हॉर्स देखो माउंट वाला हॉर्स है, तो मैंने इसको भाई कंफर्म कर दिया और यहाँ पे आ जाता है अपना हॉर्स टेल चेन। तो अपना जो ये वाला प्रोसेस है जो कि आप लोगों में से काफ़ी सारे भाई लोगों ने भी कमेंट पे मेरे को बोला था कि अगर हॉर्स टेलजेन निकले तो फिर बायो एवोल्यूशन पे जाके जो हॉर्स टेलजेन वाला इल्क है उसको रख दो ऊपर और उसके नीचे कोई भी नॉर्मल इल्क रख दो फिर बन जाएगा। तो मैं भी सेम उसी टेक्निक से करने जा रहा हूँ। तो अभी देखो अपना तो हॉर्स टेलजेन पहली बार ही निकल जाता है, तो चलो फिर अभी चलते हैं हम बायो एवोल्यूशन पे। भाई किधर गया ये रहा। तो अभी इसके ऊपर मेरे को डाल देना पड़ेगा E1 वाले को, इसी पे अपना हॉर्स टेलजेन है इसको रख दिया ऊपर और नीचे नॉर्मल इल्क जो कि है E2, तो इसको मैंने रख दिया। अभी मेरे को एक बूस्टर यूज करना पड़ेगा यहाँ पे जो कि ट्रेड टिकट का आता है 20 ट्रेड टिकट का। सो मैं यहाँ पे बूस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद एवॉल्व कर देता हूँ और फिर देखो अपने साथ क्या हो जाता है। भाई मेरा दोबारा से यहाँ पे कट जाता है और जो अपना जाइंट हॉर्न है उस पर इस बार भी माउंट वाला ऑप्शन नहीं होता है। भाई ये मेरे साथ क्या हो रहा है। इस बार लेके मैंने पूरे 4 बार जाइंट हॉर्न बनाने की कोशिश किया, इसी सर्वर पे मैंने 3 बार बनाया। इस सर्वर पे देख सकते हो मेरे पास 3-3 जाइंट हॉर्न पड़ा है, और इससे पहले मैंने अपने ग्लोबल सर्वर पे भी ट्राई किया था बट सेम यही सीन हो रहा था मेरे साथ। यार मेरा पूरा दिमाग खराब हो जाता है, मेरे सारे टीममेट का बन जा रहा है बट मेरा ही पता नहीं क्यों नहीं बन रहा। नीचे कमेंट करो यार, जाओ भाई फटाफट कमेंट करके बताओ क्यों नहीं बन रहा। खैर उसके बाद गाइस मैं आ जाता हूँ मिलिट्री बेस पे एवेंजर मारने के लिए। यहाँ पे एवेंजर स्पॉन हो गया था, सबसे पहले तो मैं इधर रूम करने के लिए आ गया था, उसके बाद मेरे को एवेंजर दिखता है, फिर मैं घर जाता हूँ, घर जाके भाई गन वगैरह उठा के आ जाता हूँ दोबारा से एवेंजर को किल करने के लिए, क्योंकि नॉर्मली तो भाई मैं गन वगैरह लेके आया नहीं था, SMG लेके आ गया था बट SMG का एमो नहीं था ना ज़्यादा। तो फिर दोबारा घर जाके भाई AR वगैरह ले आता हूँ ताकि भाई जल्दी जल्दी एवेंजर किल हो जाए। तो खैर इधर मैं अकेला आया हूँ तो मेरे को फटाफट से इधर से किल करके भागना पड़ेगा वरना थर्ड पार्टी वगैरह हो सकता है। एवेंजर का हेल्थ वैसे काफ़ी कम ही होता है तो शायद जल्दी किल हो जाएगा। एवेंजर आके यहाँ पे अच्छी तरीके से खड़ा हो जाता है और मेरे को जो पोजीशन मिला है ना ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है यार। एवेंजर अगर मेरे को मार भी लेता है फिर भी भाई डैमेज वगैरह मेरे को नहीं आ रहा था, और मैं इधर से आराम से धीरे धीरे करके एवेंजर को डैमेज देता ही जा रहा था। चलो ठीक है ये काफ़ी जल्दी किल तो हो जाएगा, बट ये एवेंजर भाई ये बंदा एक जगह पे खड़े रहने का नाम ही नहीं ले रहा था, हर बार इधर से उधर मूव कर ही जा रहा था, और मैं ज़्यादा भाई खुले में भी नहीं आ सकता। अगर मैं ज़्यादा खुले में चला गया तो हो सकता है कि एवेंजर मेरे को टपका दे, और अगर एवेंजर से मैं गलती से भी नॉकडाउन हो जाता हूँ फिर किल फिट चमक जाएगा और उसके बाद थर्ड पार्टी पक्का हो जाएगा। वैसे यार इस सर्वर पे एवेंजर मारना तो दूर की बात है, एवेंजर दिखता तक नहीं है, काफ़ी मुश्किल से लकीली पता नहीं क्यों अभी मेरे को एवेंजर दिख जाता है और मैं इधर एवेंजर मारना स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि भाई बंदा ना स्पॉन होते ही तुरंत मार देते हैं। खैर फाइनली मैं यहाँ पे एवेंजर को किल तो कर देता हूँ। एवेंजर से हमको कुछ खास लूट मिलता नहीं बट चलो लुइस गन मिल जाता है, 5 पॉइंट मिलता है, ग्रेनेड लॉन्चर एंड साथ में पर्पल कार्ड भी। वैसे तो गाइस यार अभी अपने पास कंपोनेंट्स की कोई कमी नहीं है, बस कमी है एक ही चीज़ का एयर गन। वैसे एयर गन की भी कमी नहीं कह सकते, इनफ अपने पास एयर गन हो चुका है, बस अगर थोड़ा बहुत और हो जाए तो काफ़ी बढ़िया रहेगा।
अगर नहीं भी होगा फिर भी चल जाएगा अपना काम, ऐसी कोई सीन नहीं है। अपने पास सारे के सारे चीज तो आ चुका है, बस तीन ही चीज की नीड अभी भी अपनी रह गई। पहला है टाइटेनियम का लेग गार्ड, दूसरी डीफ्री फेनर और तीसरी है सैक्लोनाइट, जो कि कुछ ज्यादा ही अल्ट्रा रेयर होता है। वैसे डीफ्री फेनर तो देखो टैंक को किल करने से हमको मिल जाएगी, बट टैंक ही नहीं मिल रहा यार, टैंक बंदे लोग स्पॉन होते ही फोड़ दे रहे। ऊपर से एयरपोर्ट पे हमेशा बंदे कैम करके बैठे हुए, लेकिन फिर भी भाई हमको जैसे जैसे करके टैंक तो फोड़ना ही पड़ेगा। हम लोग रोबोट वगैरह लेके चले जाएंगे यार टैंक फोड़ने के लिए, और जैसे तैसे करके भाई हमको फोड़ना ही पड़ेगा, वरना डीफ्री फेनर नहीं मिलेगा, और डीफ्री फेनर नहीं मिलेगा फिर हम लोग कार्गो वो भी अपने बेस के नजदीक पे ही, तो मैं भी आ जाता हूँ अपने पैगा को लेके कार्गो पे। लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी ड्रैगन वाले बंदे हाजिर हो रखा है, ऊपर से तीन चार पैगा वाला बंदा भी। खैर जो भी हो, पैगा वाला बंदा उतना मायने नहीं रखता, मेनली दिक्कत तो ये ड्रैगन ही देता है। अभी मैं यहाँ पे उतरूंगा ना तो सीधा मेरे ऊपर ये लोग बजूका भर देगा, ऊपर से ड्रैगन की वजह से आजकल तो शिप वगैरह लूटना लगभग इम्पॉसिबल टाइप का हो चुका है। शिप पे आओ तो ड्रैगन का प्रॉब्लम है, और अगर ड्रॉप लूटने चलते तो उधर ड्रैगन प्लस रोबोट भी हाजिर हो जाते हैं, वो भी एक दो नहीं 5-6 रोबोट भाई एक साथ उधर फाइट चलती है। खैर चलो ठीक है यार, शिप एंड ड्रॉप का लूट हमको चाहिए भी नहीं, बस मेरे को टाइटेनियम का अगर लेग गार्ड मिल जाता और सैक्लोनाइट मिल जाता तो काफ़ी ज़्यादा सही होता। टाइटेनियम का लेग गार्ड देखो, टाइटेनियम का आर्मर का पूरा सेट अपने पास आ चुका है सिवाय लेग गार्ड का। खैर इधर मेरे को ना शिप का एमोचेस्ट दिखाई दे देता है, तो मैं सोचता हूँ चलो ड्रॉप नहीं तो एमोचेस्ट ही सही, तो मैं इधर अपने पैगा को लैंड करा देता हूँ आराम से, और मैं आ जाता हूँ एमोचेस्ट के पास। एमोचेस्ट से मेरे को फार्मर्स वगैरह मिल जाती है। यार अपने पैगा को अभी मैं यहाँ पे कैसे बुलाऊँ, ओ भाई पैगा ऑलरेडी नीचे आ जाता है। चलो ठीक है मैं पैगा पे तो बैठ जाता हूँ, बट पैगा अपना पानी में गिर जाता है यार। चलो यार अभी मेरे को किनारे पे ऐसे तैर के ही जाना पड़ेगा, तो मैं पानी के अंदर डुबकी लगा के ही किनारे पे पहुँचता हूँ। उसके बाद गाइस मुझे अपने बेस के बाहर एक रोबोट खड़े हुए मिलती है, तो मैं सोचता हूँ चलो इस रोबोट का फ्यूल वगैरह निकाल के रोबोट की पायलट को ही मार देते। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, उसकी पायलट की मारने की कोशिश तो करता हूँ, बट पता नहीं क्यों रोबोट को डैमेज ही नहीं जा रहा था। और ये क्या सीन है भाई, रोबोट का हेल्थ बिल्कुल जीरो के आसपास है, और इधर एक्सेस भी नहीं हो रहा था यार रोबोट तो मेरे से। तो मैं फिर समझ जाता हूँ भाई ये ग्लिच है, असल में रोबोट यहाँ पे है नहीं, बट सिर्फ मेरे को दिख रहा है, क्योंकि आजकल भाई ये ग्लिच काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। अपने बेस में रोबोट होता है, और अपने कुछ कुछ टीममेट को तो भाई दिखता है रोबोट वहाँ पे है ही नहीं, रोबोट असल में अपने बेस के छत पे। फिर मैं जाके देखता हूँ भाई रोबोट असल में बेस के छत पे है ही नहीं, वो असल में अपने बेस के अंदर है। तो यही सीन हो रखा है भाई आजकल ग्लिच के कारण। तो आई थिंक मेरे ख्याल से अभी मेरे साथ भी वही ग्लिच हो रहा होगा, इसीलिए यहाँ पे रोबोट के ऊपर कोई भी डैमेज वगैरह नहीं जा रहा। उसके बाद गाइस बायो पे आ जाता है ड्रॉप, बट इधर तो ड्रॉप पे 5-6 रोबोट फाइट ले रहा है भाई, रोबोट वर्सेस रोबोट हो रहा है। लेकिन वो छोरो वो इग्नोर करो, इधर छत पे मेरे को एक बंदा दिखता है, मेरे को लगा आई थिंक इस बंदे ने मेरे को नहीं देखा होगा, मैं इसके सर पे कूद के इसके मत्थे पे गोलियां भर दूंगा, बट ऐसा नहीं होता, इसके ठीक उल्टा होता है, वो बंदा मेरे मत्थे पे गोलियां सारा भर देता है, क्योंकि उसके पास एयर गन था और मेरे पास भाई फार्मास था। खैर चलो कोई बात नहीं, अपना थोड़ा वो सामान गिर जाता है। उसके बाद मैं आ जाता हूँ हर बार पे, हर बार का पर्पल रूम लूटेड है, तो मैं इधर स्प्लिट मॉन्स्टर मारने लग जाता हूँ। और इधर भाई स्प्लिट मॉन्स्टर किधर भाग रहा है यार, बैठे रुक जा, तेरे को आज मेरे हाथों मारना ही पड़ेगा, और अच्छे खासे कंपोनेंट्स दे देना। कंपोनेंट्स तो अच्छा खासा है ही अपने पास ऑलरेडी, बट चलो और भी थोड़ा बहुत कंपोनेंट्स ले लेते हैं, इसको डिसमेंटल कर लेंगे, फिर उससे हमको अच्छा खासा स्टील और स्पेयर वगैरह भी मिल ही जाएगा। वैसे यार इसका नाम स्प्लिट मॉन्स्टर तो नहीं है, इसका नाम है इविल क्लॉ, स्प्लिट मॉन्स्टर इसकी भाई की नाम है। जो भी हो इससे हमको इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट भी मिल जाता है, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट को छोड़ के सारा कंपोनेंट्स डिसमेंटल कर दूंगा। खैर यहाँ पे मेरा थोड़ा हेल्थ वगैरह डाउन हो जाता है, तो मैं अपने आप को हीलिंग कर लेता हूँ, यार आजकल तो बैंडेज पट्टी की कोई कमी ही नहीं है। मैं सोच रहा हूँ इसका ग्रीन रूम भी कर लेता हूँ, जिससे कि मेरे पास ब्लू कार्ड भी आ जाएगा, और ब्लू कार्ड से पर्पल कार्ड आ जाएगा, क्योंकि ब्लू कार्ड की थोड़ा सा शॉर्टेज चल रही है। और तभी भाई इधर से फायर होती है, और मैं इधर से उलझ हो जाता हूँ ग्लाइडर से, मेरे इस लेना नहीं चाहता, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा लूट है, और वैसे भी उसने मेरा हेल्थ काफ़ी ज़्यादा डाउन कर दिया है, और अभी अगर मैं फाइट लेने लग जाऊँगा तो मैं पक्का मरूंगा। तो इसीलिए गाइस मैं बिना फाइट लिए पतली गली से निकल लेता हूँ। चलो ग्लाइडर से मैं इधर बच तो जाता हूँ, बट ज़्यादा देर तक मैं ग्लाइडर से भाग नहीं पाऊँगा, इसलिए मैं बुलाता हूँ अपने पैगा को। बस मैं एक बार पैगा पे बैठ जाऊँ, फिर मेरे को कोई भी पकड़ नहीं पाएगा। ओके गाइस चलो फिर अभी, और जो भी आ जाए मेरे को नहीं मार पाएगा। पैगा में अगर एक बार बैठ गया ना, फिर पैगा वाले बंदे को डाउन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है भाई, और वैसे भी पैगा काफ़ी ज़्यादा ऊपर में उड़ता है। और अभी गाइस अपने बेस में हो जाता है रेड, पता नहीं भाई क्यों अपने बेस में रेड हो जाता है यार, अभी तक तो रेड टाइम स्टार्ट भी नहीं हुआ है, मेरा मतलब 72 आवर्स का रेड टाइम, और अभी यार इतने बड़े बेस में रेड, ये बात मेरे को ज़रा हजम नहीं हुई। आई थिंक ना बंद ने अपने फर्नेस रूम पे रेड किया है, मैंने अपनी बेस के बाहर की साइड पे एक एरिया बना के उधर फर्नेस वगैरह लगा के रख दिया था, लास्ट फर्नेस,
और देखो भाई बंदे ने फर्निस रूम पे रेड कर दिया है और साथ ही साथ अपने रोबोट को भी। भाई रोबोट तो अपना बचा ही नहीं यार, रोबोट मैंने यहीं पे रखा था, बंदे लोगों ने अपना रोबोट भी तोड़ दिया। चलो कोई बात नहीं, रोबोट को तो मैं बाद में बना लूंगा, अपना कोई ज्यादा लॉस तो नहीं होता सिवाय रोबोट का। रोबोट को भाई बंदे ने पूरा ही तोड़ दिया है और भाई साहब यहाँ पे कुछ ज्यादा ही तबाही मचा के रख दिया यार उन बंदे लोगों ने। देखो भाई कितने सारे डोर्स वगैरह उन्होंने तोड़ के रख दिया, आयरन का था पूरा, और सारे के सारे फर्निस उन्होंने तोड़ दिया है। अपने फर्निस पे तो वैसे लॉक लगा हुआ है तो फर्निस का कोई भी लूट वगैरह नहीं गिरा है। मेरे ख्याल से ना उन लोगों को फर्निस की शायद से आवाज आ गई होगी और उन्होंने फिर ग्लिच करके देख लिया होगा कि अंदर काफी सारे लार्ज फर्निस लगा हुआ है, फिर उनको लगा होगा शायद से फर्निस के अंदर लॉक नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने ये सब कांड कर दिया है ताकि उनको फर्निस का लूट मिल पाए। वैसे अपने फर्निस में भाई दबा के लूट मेल्ट हो रहा था, अराउंड 2 चेस्ट के आसपास आयरन मेल्ट हो रहा था भाई अपने इसी फर्निस पे। खैर चलो लॉक के वजह से अपने फर्निस का लूट वगैरह तो बच जाता है, अभी बस हमको अपने फर्निस वगैरह को रिपेयर कर देना पड़ेगा। बट यार अपना बेचारा रोबोट जिसको हम लोगों ने अभी तक फाइट पे उतारा भी नहीं, लिटरली में हम लोगों ने अपने रोबोट को अभी तक एक भी फाइट पे उतारा नहीं था, बस बना के वहीं पे पैक करके रख दिया था, तो अपना रोबोट अभी हमारे बीच पे नहीं रहा। खैर चलो आज के इस वीडियो पे इतना ही था गाइस, आई होप आप सभी लोगों को ये वाली गेम प्ले वीडियो जरूर से अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन नहीं किया हो तो जल्दी से जाकर डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो। बाकी मैं आपसे मिलता हूं इसकी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।